आईपीएल और मजा आ गया, क्या कमाल का मैच। और बाबर भाई की पंजाब ने आज तो कमाल ही कर दिया। बाबर भाई के भी चेहरे पे मुस्कुराहटे बगैर दी, प्रीटी जेंटा के भी चेहरे पे मुस्कुराहटे बगैर। सिंगो ने आके मैं कहता हूँ आता माजी, वो तो पागल हुए थे यार, छक्का इधर कभी उधर। मैं कहता हूँ कमाल का यार सुशांत, इंडिया का यंग टैलेंट है ये यार। इसी चीज से तो आईपीएल मशहूर है कि वो नए से नया स्टार निकालते हैं। हो गई है बल्ले बल्ले, ते हो गई है शावा शावा, जाग दिते फटे, ते कर दिता 200 चेज आराम स्कूल दे नाल, आप पाटे दे उते मारी थापी। सुशांत और आशुतोष ने महफिल लूट लिया यार, देखे दोनों खड़े हुए हैं, लाइक कोई बिलीव नहीं कर सकता, कभी किसी ने उनको आईपीएल में परफॉर्म करते भी नहीं देखा। वन से खड़ा रहे सुशांत और मार मार के यार पागल कर दिया। गुजरात टाइटन के जो कैप्टन है शुभमन गिल, वो खुद परेशान हो गए थे यार। जो आशुतोष की जो सुपर सब एंट्री थी उसने कमाल कर दिया। और मैं ने आके जिस तरह परफॉर्म किया, सुशांत ने किया है कि उसके साथ आशुतोष ने जिस तरह परफॉर्म किया है, मतलब देखे बड़े बड़े नाम जो थे, गब्बर खुद आउट हो गया यार, मतलब सैम करन आउट हो गया नीचे, और जॉनी बेस्टोस सिकंदर रजा ठीक है ये आउट हो गया ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं भाई, दो आदमी चाहिए होते हैं ना। तो 206 ऐसे होता है विद वन बॉल टू स्पेयर एंड फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर। वाह 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 शशांक, क्या जनाब शशांक ने, और आशुतोष जनाब तोष बना के खा गए हैं वो गुजरात टाइटन को। आपने कोहली खत्म किया, आपने रोहित खत्म किया, हार्दिक खत्म कर लेंगे, ये ले दो नए जुबे आपके सामने, और जिस तरह उसकी आप एफर्ट देखे छोटे छक्के नहीं मारे। रिमेंबर द नेम शशांक सिंह, हमने कहा ठीक है दो चार जंगस्टर आ गए, एक आधा पेसर आ गया, दो तीन बैटर आ गए, अब तो कुछ थोड़ा ब्रेक होगा, बट जो आईपीएल ऐसा जा रहा है हर एक मैच में ऐसा सितारा मिल रहा है। सर आपको बता रहा होता हूँ कि इंडियन प्रीमियर लीग हो या जिस मुल्क की अपनी लीग हो, उसमें शादियाने ढोल बाजे बजाने का वक्त तब होता है जब कोई लोकल टैलेंट आपको मैच जितवाए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डब्ल्यू न्यूज में। दोस्तों आईपीएल का 17वां मैच खेला गया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, गुजरात टाइटन्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच। गुजरात पहले बैटिंग करते हुए 199 की एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें शुभमन गिल के 48 गेंद पर 89 रन, साई सुदर्शन के 19 गेंद पर 33 रन, तेवटिया के 8 गेंद पर 23 रन शामिल थी। बाद में पंजाब रनों का पीछा करते हुए शुरुआत में कैप्टन का विकेट खो दी, उसके बाद बेरिस्टो, प्रभ सिमरन, सैम करन सब चलता बने। एक समय पंजाब का स्कोर था 13 ओवर पर 5 विकेट खो के 111 रन, सबको लग रहा था पंजाब ए मैच हार जाएगी, लेकिन शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा के ब्रिलियंट बैटिंग के वजह से पंजाब ए मैच जीत ली। शशांक सिंह ने सिर्फ 29 गेंद पर 61 रन और आशुतोष ने 17 गेंद पर 31 रन जड़ दिए और ए मैच पंजाब के नाम किया। इन दोनों इंडियन बैट्समैन की बैटिंग देख पाकिस्तान मीडिया हैरान है और ये चर्चा कर रहा है कि आईपीएल के हर मैच में कोई ना कोई इंडियन प्लेयर उभर के सामने आ रहा है, हर मैच में भारतीय कोई ना कोई यंगस्टर की टैलेंट देखने मिल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पंजाब वर्सेस गुजरात टाइटन, शुभमन गिल वर्सेस शेखर धवन, आज जो है वो शेखर धवन की टीम मार का मार गई है। शुभमन गिल जो है वो एक टाइम में बड़े जीते हुए लग रहे थे, लेकिन वहीं से आशुतोष और शशांक का तो मैच का पासा पलटा, क्या कहेंगे आज के मैच? यार मैं कहता हूं आज धवन ने दमादम दम कर दिया। शुभमन गिल को दिन में ताने दिखाए उस बंदे ने, जिस तरह आज मैच हुआ मैं कहता हूं मजा आ गया यार, पता लगा कि आईपीएल का मैच हो रहा है, पता लगा वर्ल्ड बिगेस्ट लीग में मैच हो रहा है और पता लगा कि इतने बड़े क्राउड के सामने मैच हो रहा है। यार आप देखे जिस तरह स्टार्ट मिला है, जिस तरह शुभमन ने आज परफॉर्म किया है, बेशक उसने थोड़ी सी बॉल्स ली, थोड़ा स्ट्राइक रेट लो था, लेकिन उसके 89 स्कोर ने एक अच्छा टोटल बोर्ड पे बना दिया। 200 इज नॉट अ स्मॉल टोटल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेकंड टीम टू चेस दिस। सो हम देखते हैं कि जब टॉप ऑर्डर आउट हुआ पंजाब का, मैंने कहा क्या शेखर धवन गया, जॉनी बेस्टो चला गया, सिकंदर रजन चला, रजा जहाँ पे गया ना, मैंने कहा यहाँ पे तो टोटली खत्म, लेकिन वो सिंगो ने आके, मैं कहता हूँ आता माजी वो तो पागल हुए थे यार, छक्का इधर कभी उधर, मैं कहता हूँ कमाल का यार सुशांत, इंडिया का यंग टैलेंट है ये यार। इसी चीज से तो आईपीएल मशहूर है कि वो नए से नया स्टार निकालते हैं। आपने कोहली खत्म किया, आपने रोहित खत्म किया, हार्दिक खत्म कर लेंगे, ये ले दो नए जुबे आपके सामने, और जिस तरह उसकी आप एफर्ट देखे छोटे छक्के नहीं मारे, उसने क्या क्या इनिंग किस तरह वो प्ले कर रहा था, मैं कहता हूँ उनके मतलब यहाँ पे मैच था जो निकाल के ले आए हैं, बिल्कुल यहाँ से मैच निकाल के लिए, जिसको कहा जाता है अहमदाबाद का ब्रांड है ये, नो डाउट उसने अच्छा खेला है, लेकिन आप देखें उसने 2829 बॉल पे 63 कर दिया,
क्लासिक और शुभमन गिल ने वहीं पे 40 बॉलों पे 89 किया तो कौन ब्रांड हुआ आपके सामने? कौन ब्रांड हुआ 89 उसका किसी? अगर वो ही स्कोर 30-35 बॉलों पे करता तो हम कहते यार शुभमन गिल ने कोई स्कोर किया और काफी सीनियर प्लेयर नजर आया। अगर वही 10-15 बॉलों पे कुछ और स्कोर होता तो आपको 230-240 बोर्ड पे टोटल नजर आता और डेफिनेटली वो फिर पंजाब हारता। बिल्कुल ऐसी। आपकी स्पोर्ट किसकी तरफ थी? शेखर धर्म की तरफ, धवन की तरफ या फिर शुभमन गिल प्रिंस ऑफ इंडिया की तरफ? यार स्पोर्ट तो शुभमन गिल की तरफ थी क्योंकि वो शेखर धवन की तरफ क्यों नहीं है? शेखर धवन की तरफ भी है, हम दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन कौन सा अट्रैक्शन शुभमन गिल की तरफ से? यंग जनरेशन, यंग जनरेशन है और आईपीएल चेस करवा रहे हैं, आईपीएल के मैचेस देखने का मजा आ रहा है या जो पीएसएल हुआ है उसके मैचेस देखने का मजा आ रहा है? देखें आईपीएल नो डाउट दोनों लीग्स का कंपैरिजन नहीं बनता, एक 7-8 साल से शुरू है, कितनी पुरानी 16-17 साल और वो आईपीएल तो 250 चेस करा देती है, पीएसएल में तो 200 चेस हो जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत मजा आया आज का मैच, मैं कहता हूँ सांस आ जा रही थी, कभी वो जीत रहे कभी वो जीत रहे, मैंने छोड़ दी थी कि पंजाब हार गया, लेकिन जिस तरह एंड पे परफॉर्मेंस आखिरी 4 ओवरों का जो फाइटिंग देखने का मजा आया कमाल था। पैसे वसूल हो गए, पैसे वसूल, अनबिलीवेबल मैच। कहां एक टाइम में गुजरात टाइटन लेके जा रही थी लेकिन एट द एंड जो है वो पंजाब जो है वो मार्का मार गया। क्या कहेंगे सुशांत और आशुतोष ने महफिल लूट लिया यार, देखे दोनों खड़े हुए हैं लाइक कोई बिलीव नहीं कर सकते, कभी किसी ने उनको आईपीएल में परफॉर्म करते भी नहीं देखा, वन सेकंड खड़ा रहे सुशांत और मार मार के यार पागल कर दिया। गुजरात टाइटन के जो कैप्टन है शुभमन गिल वो कुछ परेशान हो गए थे यार, हम तो मैच जीत गए हैं, 6 आउट हो गए 7 आउट हो गए चलो हम मैच जीत गए हैं, पर उन्होंने माफी नहीं दी यार। आईपीएल में सबसे बड़ा मैच ये हुआ, सबसे बड़ा चेज मुझे ये नजर आ रहा है आईपीएल के अंदर यार, देखे जितने बड़े स्ट्राइकर थे सुशांत खेल रहा है, उसके बाद आशुतोष अच्छा खेल के गए, अगर आशुतोष जल्दी आउट ना होते में भी हमें ये मैच एक ओवर पहले ही खत्म होता नजर आ रहा था, पर जैसे ही कोशिश किया गुजरात ने भी, शुभमन गिल ने भी अपनी इनिंग 89 की इनिंग बहुत मजेदार खेली है। एक चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगा भाई, दोनों में से जो सी टीम भी जीती है, देखे पंजाब जीती है फिर भी गुजरात का जितने भी ऑडियंस है ना उनको अप्रिशिएट कर रही थी, शोर मचा रही थी कि भाई ठीक है जीते हो, मजा आया मैच का, बिल्कुल फाइट करके जीते हैं ना, ये वन सेकंड मैच नहीं हुआ, एंड तक गए हैं पूरे 1,35,000 क्राउड ने पूरे पूरे सुशांत को सपोर्ट किया यार, उन्होंने बोला कि यार देखो अब इंडिया परेशान हो गया, इंडिया कहेगा हम वर्ल्ड कप में किसे लेके जाए यार, वो बॉलिंग भी लेके जाए, बैट्समैनों को लेके जाए, ऑलराउंडर को लेके जाए, मैच फिनिशर को लेके जाए, भाई इंडिया ने आईसीसी रिक्वेस्ट करनी है हमारी दो टीमें जाने दो यार, हमारे पास लड़के ज्यादा हो गए हैं यार। आईपीएल की हिस्ट्री में मैंने अपनी मौजूदा हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैच ये देखा है, और जब चेज हुआ है दोनों सुशांत और आशुतोष दोनों भागते हुए स्टेडियम की तरफ गए हैं, नाच गा रहे हैं, ये होता है मैच के, ये क्रिकेट का मजा आया यार। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। सर शुभमन गिल के बारे में क्या है? प्रिंस ऑफ इंडिया ने भी आज बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, दोनों टीमों ने बड़ा जो है वो डोमिनेट किया एक दूसरे के ऊपर, मानना पड़ेगा आज का मैच बहुत जबरदस्त मैच हुआ यार। प्रिंस ऑफ इंडिया ने प्रूव किया यार वो क्यों इंडिया का ओपनर है, मजेदार क्रिकेट खेल के गया, 49 बॉल के अंदर 89 स्कोर करके गया, अपने 100% देके गया, अब बाकी प्लेयर्स ने नहीं खेला, अब अगर उनके स्कोर कार्ड खोले ना 20-25-30-33 इतना स्कोर करके सारे आउट हुए हैं, अगर शुभमन गिल का 89 स्कोर ना होता तो शायद 120-30 पे जाके रुक जाते। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।